जय श्री कृष्णा। गीता का ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड भाग 3 दिनांक 27/1/2021 अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया, जिसके अंतर्गत हमने महिला आंदोलन, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार मिल गया। पहले लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार बहुत कम था और अब अधिकार बढ़ गया है। जैसे कानूनी सुधार, अधिकार मिले महिलाओं को, अधिकार जैसे महिलाओं व लड़कियों को पढ़ने का अधिकार, महिला आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिल गया। कानूनी सुधार के अंतर्गत हिंसा और स्वास्थ्य, हिंसा स्वास्थ्य, कानूनी सुधार हिंसा स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई और परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। इन संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं लड़कियों को पढ़ने के अधिकार के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया। कानूनी सुधार हुए, हिस्सा स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और संगठित होकर के संघर्ष किया, तब जाकर के जैसे अधिकार मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई प्रकार के नारे आजकल दिए जाते हैं। स्कूली शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-15 में, प्राथमिक में कक्षा 1-5 तक 4.36 लड़के और लड़कियां 3.88 लाख थी, और आज हम उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा से किस तरह आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं और पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों को मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवित आंदोलन बनाती है। चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। इनकी कुछ लड़कियां आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे औरतों ने अपनी दुनिया को बदला है और कई अभियान चलाए गए। भेदभाव हिंसा के विरोध में अभियान चलाया गया। महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज महिलाओं के साथ हर जगह पर भेदभाव किया जाता है और महिलाओं के साथ बहुत ही अधिक मात्रा में हिंसा होती है, और अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक नया कानून बना, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 2006 में एक कानून बनाया, 2006 में एक कानून बनाया जो महिलाओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है।
इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण सन 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। हमारा जो सन 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं और महिलाओं के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न से उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। एक और उदाहरण देखें तो सन 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारे समाज में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा हजारों महिलाएं इस दहेज प्रथा से शिकार होती जा रही है। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिला संगठन ने इस बात को कड़ी आलोचना की और कानूनी अधिकारों के कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई और अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों को आदान प्रदान किया। समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा, देश से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जो भी दहेज मांगता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और सत्य रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य देश के लिए मार दी गई, अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। और जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में एक जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़, नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से यह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाया। विरोध करना महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है। किसी कानून तथा नीति द्वारा जो महिला आंदोलन जैसे संगठनों उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन बहुत असकारक बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों औरतों को साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन में हिस्सा था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा लेती है और कई प्रकार के महिलाओं ने संघर्ष किया, जिससे आज हम महिलाओं को कानूनी अधिकार दिए गए, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1997 को देश प्रथा का एक कानून बनाया जिसके अंदर संशोधन किया गया,
जो भी देश दहेज के लोभी व्यक्ति जो दहेज मांगते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस में, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी घोषित करा गया है, जिसे महिलाओं के अधिकार उनको सही समय पर दिया जा सके। और औरतों ने जो दुनिया बदली है उसमें बंधुत्व व्यक्त किया गया और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में भी ड्रॉप आउट छात्र प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से हम देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सब अनुसूचित जाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के इस प्रकार से जैसे 17.06 योग है और अनुसूचित जनजाति का लड़के 19.64, 19.5 योग, 19.36 अनुसूचित जनजाति के लड़के 24.94, 24.40 योग होता है, 24.68 लड़के ही विद्यालयों में पढ़ रहे हैं।